तो इसके लिए आप लोगों को माइलेज बहुत ख़राब मिलता है, ये क्या है मैं बताऊंगा वीडियो में। तो आज के वीडियो में जिसके पास बाइक है, सब लोगों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि बाइक को कैसे मेंटेनेंस करेंगे, माइलेज कैसे अच्छा मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, पहला बात तो है आपका गाड़ी का सर्विसिंग ठीक ठाक टाइम पे करना पड़ेगा, और दूसरा बात है पेट्रोल ठीक ठाक रखना पड़ेगा। मतलब अगर XP 95 मिले तो उसको ही भरना। गाड़ी का इंजन भी अच्छा रहता है, माइलेज भी अच्छा रहता है, एक्सेलरेशन भी अच्छा रहता है। और एक बात है सर्विसिंग, अगर आपने सर्विसिंग किया है, मोबिल भी चेंज किया है, उसके बाद भी माइलेज ख़राब आ रहा है, तो क्या करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो गाड़ी के एयर प्रेशर, मतलब पहियों के एयर प्रेशर जो है वो भी ठीक ठाक रखना पड़ेगा। और एक बात है कि अगर आप पेट्रोल, ये देखिए मैंने फुल टैंक किया हुआ है, ये देख सकते हैं पेट्रोल, अगर आप 200-300 रुपये के भरेंगे तो तब पेट्रोल कम मिलता है या माइलेज भी अच्छा नहीं मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि फुल टैंक करने की, या फिर 500-600 रुपये का पेट्रोल वन टाइम में भरने की कोशिश कीजिए, तो माइलेज अच्छा मिलेगा। और अगर आपके पास फ्यूल इंजेक्शन इंजन है तो और एक बात को ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, नहीं तो 20-30 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, मेरे गाड़ी में FI है तो इसमें 2.5 लीटर ऑयल हमेशा रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्टर है वो एक मोटर से चलता है, तो उस मोटर को कूल रखने के लिए पेट्रोल काम करता है। और गाड़ी को थोड़ा सा ठीक ठाक रखना, ठीक ठाक स्पीड से भी चलाना पड़ता है माइलेज के लिए। 45-55 तक स्पीड में अगर चलाएंगे तो माइलेज तो ठीक मिलेगा ही। और सर्विसिंग टाइम टू टाइम करना पड़ता है दोस्तों, सर्विसिंग टाइम टू टाइम करना पड़ता है। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था सर्विसिंग, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे जो आपार डिपार लाइट होता है उसका, और यहाँ पे जो न्यूट्रल का लाइट होता है वो भी गया, पूरा पानी घुस गया था स्पीडोमीटर में। तो दोस्तों, सब कुछ करीब करीब बता दिया। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ अगर ठीक है आपके गाड़ी में तो भी आपका माइलेज ठीक नहीं मिल रहा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है, एयर फिल्टर। आग जलाने के लिए तो ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है दोस्तों, तो ये एयर को फिल्टर करके इंजन तक पहुँचाता है, उसके बाद आग जलता है। इस ये देखिए एयर फिल्टर पूरा जाम हो गया, काला काला हो गया, तो इस एयर फिल्टर को आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे रहता है एयर फिल्टर, हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये तो इंजन में ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं पहुँच पाते हैं, पेट्रोल वेस्ट हो जाता है, माइलेज खराब मिलता है, बहुत कुछ होता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।